लाहौर से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड PPAF और आगाही के जरिए तमाम पाकिस्तान के 77वें योम आज़ादी की मुनासबत से एक खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी परचम कुशाही और कौमी तराना पेश किया गया। योम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। PPAF के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नादर गुल ने इस्तकबालिया खिताब में तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और PPAF की पंजाब में की जाने वाली काविशों और हालिया सलाब के दौरान की गई इमदादी कार्रवाइयों पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म पेश भी की गई। सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला आफात की रोकथाम और समाजी बहबूद के हवाले से फलाही तंजीमों की काविशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर किया और इसमें सूबाई महकमों के हमरा फ्लाई तंजीमों ने भी नुमाया करदार अदा किया। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि जश्न आज़ादी के जरिए अपने मुखालफिन को वाज़े पैगाम दिया कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान हम सब का है। ताहम इस मौके पर मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद की खिदमात को सराहा गया और अवार्ड भी दिए गए, जबकि सूबाई वजीर को यादगार शील्ड पेश की गई।